टीएलपी ने 192 जगह पर ब्लॉकेज किया था। एक जगह जो यतीम खाना है जहां उनकी मस्जिद रहमतुल लिलआलमीन है, वहां थोड़े से हालात जो हैं कशीदा हैं। और अभी मैं रिपोर्ट ले रहा था कि आपका 2 बजे टाइम आ गया इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और कल इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 192 में से 191 क्लियर हो गए हैं। और जब कालादम तंजीम करार दी जाती है तो उसके अहदेदारों के अकाउंट सीज होते हैं, उसका शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक होता है और उसकी नकलो हमल पर पाबंदी लगती है। जो 5 बुनियादी आइटम हैं वो टीएलपी बैन हुई है तो वो कानूनन लगते हैं। 3 दिन के का नोटिस देते हैं, 3 दिन का नोटिस दिया है, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने हमें जवाब देना होता है। और अगर इसको डिसबैंडन करना है तो उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री और अटारनी जनरल और फरोग नसीम साहब वो इस पर काम कर रहे होंगे, वो फिर रेफरेंस जाएगा वो। जी, कोई मजाकरात का अमल इस वक्त ना जारी है ना मेरे नोटिस में है। और बात जो है वो मजाकरात की हमने काफ़ी 2-3 महीने कही लेकिन वो किसी नतीजा नहीं निकली। वो हर सूरत में अपने एजेंडे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। टीएलपी से बातचीत चल पड़ी है और पहला दौर काफ़ी बेहतरी से मुकम्मल हुआ है। सहरी के बाद सुबह दूसरा राउंड होगा। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे ये गुमारी बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़ दिए हैं और वो खुद भी टीएलपी के लोग मस्जिद रहमतुल लिलआलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है। और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे। और ये मजाकरात जो हैं पंजाब गवर्नमेंट ने कामयाबी से किए हैं और जिसमें ये तय पाया है कि उन्होंने पुलिस वाले भी छोड़ दिए हैं और हमारी पुलिस भी पीछे हो गई है। और मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो मीटिंग हुई है पंजाब हुकूमत ने की है वो कामयाबी से हमकनार हुई है। और अल्लाह से उम्मीद है कि दूसरी मीटिंग भी अभी सहरी के बाद सुबह को बेहतरी की तरफ जाएगी और हालात कमोबेश जो 192 नाकों में से एक नाका रह गया था उसमें भी बेहतरी आ गई है और बातचीत चल पड़ी है। एक राउंड मुकम्मल हो चुका है जो कि मुस्बत रहा है और दूसरा राउंड अब सहरी के बाद सुबह शुरू होगा और अल्लाह से उम्मीद है कि टीएलपी से मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।